चाहूंगा इस फिल्म के प्रोड्यूसर गुरदीप सिंह सफल साहब को, जो कि राज्यसभा टेलीविजन के सीईओ हैं। He is also the OSD to the Vice President of India. और मैं बुलाना चाहूंगा मोहित को, मोहित मारवा। इन्होंने प्रेम सेगल का किरदार निभाया। ये फिल्म जो आईने ट्रायल्स पे है, इसमें आजाद हिंद फौज के तीन अफसरों पे, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, प्रेम सहगल और शाहनवाज खान पे ये ट्रायल लगा था। तो हमारे दोनों जो बाकी कुणाल कपूर और अमित साध हैं, वो इस वक्त इंग्लैंड में हैं। आज हमारे जो ट्रेलर लॉन्च था, तो हमारे उनके साथ एक डायरेक्ट लंदन से लिंक करके हमने वो इंटरव्यू किया दिल्ली में। और मोहित जो है प्रेम सहगल का किरदार निभा रहे हैं। कैनी को मैं बुलाना चाहूँगा, इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रोल निभाया। और बाकी तो लोग हैं। पिक्चर है, पार्लियामेंट की पिक्चर है, प्राइम मिनिस्टर मोदी पार्लियामेंट के नेता हैं, ठीक है, और हम सबके प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इसका जो एक हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि होगा कि राष्ट्रपति भवन में इसका प्रीमियर होगा, उसमें सब लोग इन्वाइटेड होंगे। पर प्राइम मिनिस्टर का ये रहता है कि उनको 2.5 घंटे अगर हम रोक के रखेंगे देश के प्राइम मिनिस्टर को, तो देश के लिए ठीक नहीं होता है। हाँ, एक्सेप्ट जरूर हम उनको दिखाएंगे। देखिए, मैं औरों की फिल्म के बारे में कुछ टिप्पणी करूँ, ये ठीक नहीं होगा। मैं सिर्फ अपनी फिल्म के बारे में बात करना चाहूँगा। ये फिल्म जो है, आई एम सॉरी, इस पिक्चर में कोई कॉन्ट्रोवर्सी हो नहीं पाएगी, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं हो नहीं पाएगी। तो क्योंकि जब ये हो रहा था देश में, जब तीनों को फांसी की सजा सुनाने की बात चल रही थी, तीनों को मार दिया जाएगा, और अंग्रेजों ने गलती की कि एक हिंदू, एक सिख और एक मुसलमान, तीनों को ट्रायल पर रखा, मतलब पूरा देश कटघरे में खड़ा कर दिया उन्होंने। तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, अकाली दल, इन पहली बार देश में कभी ऐसा नहीं हुआ है किसी भी मुद्दे को लेकर के कि चारों संगठनों ने एक साथ मोर्चे निकाले थे कि इन तीनों को, अगर इन तीनों को किसी भी आईएनएस सोल्जर को पनिश किया गया, तो हम एक मारोगे तो 10 अंग्रेज मार देंगे। ये पूरे देश में ये एक फैल गई थी, और सारे दलों ने मिलकर किया था। तो ये ऐसा नहीं कि कांग्रेस के खिलाफ है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, पॉजिटिव पिक्चर है यार। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस जिस तरह से विलुप्त हुए, वो भी चीज दिखाई जाएगी फिल्म? वो हमारा इंटरेस्ट वाला एरिया नहीं था फिल्म में। गुरदीप ने, राज्यसभा जी ने हमको जो उन्होंने कमीशन की थी, उसमें ये सिर्फ आईएनए के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में और इन ट्रायल के बारे में था। क्योंकि देखिये, नेताजी की बेटी ने भी खुद कहा कि आप मेरे फादर के बारे में ये सब सोचना छोड़ दो कि वो थे, नहीं थे, गुमशुदा थे, कहाँ थे, उन्होंने जो किया है उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। तो ये कोशिश वो है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने असल में किया क्या था, जिसके बारे में नहीं पता है लोगों क्या। इस पिक्चर में रिसर्च अभी बोलते हैं, हमने बहुत रिसर्च की, लेकिन हमने की तो क्या था कि एक तो रिसर्च मटीरियल बहुत अवेलेबल है, बहुत रीसेंट हिस्ट्री है। ये तो नहीं कि हम अकबर और उनके बारे में, बहुत ही रीसेंट है, 1942-45 वाला पीरियड है। तो बहुत कुछ अवेलेबल है नेट पे, बहुत सारी किताबें हैं। आईएनए के कई लोग जिंदा हैं। आपको पता हो, शायद ना हो, कि मतलब जो शाद अली हमारे डायरेक्टर हैं, तो दोस्त है मेरा प्रेम सहगल, उनके उसके नाना हैं शाद के, तो लक्ष्मी सहगल जो शाद की नानी है, प्रेम सहगल की वाइफ थी, और वो भी आईएनए में शामिल थी, बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उनसे तो मैं खुद मिला हूँ 2-3 बार, अभी 3-4 साल पहले वो गुजर गई। तो आईएनए के बहुत सारे लोग जिंदा है, नेताजी के परिवार में कई लोग हैं। तो एक तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा रिसर्च मटेरियल अवेलेबल होता है रिसर्च करने, तो टाइम ज़्यादा लगता है। जैसे पान सिंह तोमर, मैंने की लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च मटेरियल था ही नहीं, कुछ भी नहीं लिखा था उसमें, कोई किताबें कुछ था नहीं, तो जल्दी भी हो गया, इसमें बहुत वक्त लगा। दूसरी बात यह है कि जब 42 और 45 के बीच में आप बोल रहे हैं कॉन्वर्सेशन बिटवीन नेताजी और सुभाष चंद्र बोस, वो था नहीं। क्योंकि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, जब यहाँ पे आज़ाद मैदान मुंबई से गांधी जी ने जब करो या मरो का नारा लगाया और क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, तो देश में सारे नेता, छोटे बड़े, मेरे दादाजी खुद, मेरा तो धुलिया का नाम है, उन सबको 6 साल का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट उनको दिया गया। तो बिटवीन 42 टू 45 सारे नेता, मतलब गांधी जी, नेहरू जी, मौलाना आजाद, आचार्य कृपलानी, सब जेल में थे, और नेताजी हिंदुस्तान में थे नहीं उस वक्त, तो उन दोनों का कोई कॉन्वर्सेशन की पॉसिबिलिटी ही नहीं। और देश में सेंसरशिप लगाने की थी अंग्रेजों ने, अखबारों में कुछ छप ही नहीं रहा था। आजाद हिंद फौज क्या थी, लोगों को कुछ पता ही नहीं था। लोग कहते थे, अरे ये तो गद्दार है,
हमने पिक्चर में हमारी जो रीड है पिक्चर की वो यही है कि क्या ये गद्दार थे कि ये हीरो थे, यही दिखाने की कोशिश। तिग्मांशु जी, आपने ये टाइटल क्यों रखा राग देश? बहुत सोचा मैंने कि इसका टाइटल क्या रखा जाए, और बहुत सारी हमारी फिल्में जो पहले वॉर के ऊपर फिल्में बनी है, ललकार, हकीकत, इस किस्म की फिल्में, तो अभी अगर आप खुद सोचेंगे पीछे का ललकार होता आपको लगता कितना पुराना जैसा टाइटल रखता है, तो बहुत सोचा, बड़ी अपने मशक्कत की इसके ऊपर। फिर ये लगा कि मैंने कहा राग देश, एक तो जैसे राग होते हैं हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, भैरवी है, शिवरंजनी है, तमाम राग है, वैसे एक देश राग भी है, ठीक है, तो मुझको सडनली स्ट्राइक किया देश राग, तो मैंने कहा इसका नाम होना चाहिए राग देश, यानी द सॉन्ग ऑफ द नेशन। और इसमें एक गाना भी है, ट्रेलर में नहीं, जो कि देश राग पर ही आधारित गाना है क्लासिकल। सबसे पहले तो मैं बिस्तर से कूद गया जब मुझे पता चला कि मैं इस पिक्चर का पार्ट हूँ। वेलकम एवरीबॉडी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा? है ना, मेरे को भी पहली बार मैंने बड़ी स्क्रीन पर देखा है तो सर एक हाथ हो जाए। मेरे लिए ये बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था, और मैं ये भी किसी को बात पहले बता रहा था कि लर्निंग यू नो नॉट जस्ट लर्निंग द क्राफ्ट ऑफ फिल्म मेकिंग बट ऑल्सो लर्निंग अबाउट दिस एपिसोड, क्योंकि स्कूल में मुझे आईने के बारे में कुछ सिखाया नहीं गया, हिस्ट्री में हमें इस एपिसोड को कहीं पे मेंशन ही नहीं किया गया। सो व्हेन आई गॉट टू नो द स्क्रिप्ट, जब हमने नरेशन सुनी तो यू नो द फर्स्ट फीलिंग वॉज के ये कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो यू नो टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक दिस जिसमें आप यू नो लोगों को एजुकेट कर रहे हो और साथ में एंटरटेन भी कर रहे हो, बिकॉज ये एंटरटेनिंग पिक्चर भी है अच्छे से जम के, सो इट वॉज अ बिग प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। आइडिया नया नहीं है, अगर आप देखिए दुनिया में जितने पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं बड़े देशों में, जर्मनी में, फ्रांस में, यूके में, यूएस में, वो फिल्में बनाते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि 70 साल की जो यात्रा है बहुत अमीर मुल्क नहीं था, पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स के पास वो स्पेस नहीं थी, तो वो नहीं हुआ। राज्यसभा टीवी जब बना तो ये तय हुआ, सब पार्टीज इसमें शामिल है, गवर्नमेंट का तो है नहीं है इसमें, जो हमारी कमेटी है सारी पार्टीज के मेंबर उसमें रहते हैं, तो ये वो कुछ चीज़ें जो देश में नहीं हुई हम वो करें। और अब जो कमेटी में एक्चुअल में डिस्कशन हुआ था ये कि फिल्मों का रोल क्या है इस देश में, उसमें सीताराम येचुरी थे उस समय, राजीव शुक्ला थे, जावेद अख्तर थे, श्याम बेनेगल थे, मुंगेकर थे, सतीश चंद्र मिश्रा थे, चंदन मित्रा थे, ये सब लोग उस कमेटी के मेंबर थे। और वहाँ पे एक प्रपोजल आया कि 47 में हम आज़ाद हुए, फिर गणराज्य बना, लोकतंत्र बना, और सबको वोटिंग का राइट मिल गया, और 80% लोग निरक्षर थे, तो ये देश लोकतंत्र कैसे बना? और एक सबका यही मानना था कि इसमें फिल्मों का बहुत बड़ा रोल रहा, कि हमारे यहाँ फिल्मों ने वो सिखाया जो किताबों ने नहीं सिखाया। तो अब यहाँ तक पहुँच गए हैं, और जैसा कहा कि 4 जनरेशन हो गई हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई नहीं देखी, उसके बाद पैदा हुए, तो उनको ये याद कराया जाए कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, तो कई सारे चैप्टर्स उसमें लिए जाएँ। पहला प्रोजेक्ट ये है, ये आखिरी नहीं है राज्यसभा टीवी का। और फिल्में लोग देखना पसंद करते हैं। मोहित, इज इट डिफिकल्ट टू डू दिस काइंड ऑफ मूवी फॉर यू? इट वाज डिफिकल्ट, यस, बिकॉज़ इट्स वेरी अवे फ्रॉम हाउ आई एम एज अ पर्सन, बट इट वाज वेरी एक्साइटिंग, एंड आई फील आई बिकेम एन एक्टर टू यू नो गो आउट देयर एंड प्ले पार्ट्स व्हिच आर अनलाइक मी, सो very very satisfying to be a part of this film, especially at this stage of my career. आप ये चयन कैसे किया? वो चयन उनका चयन ऐसे हुआ कि मैंने एक और फिल्म बनाई है, उसका नाम बुलेट राजा के बाद मैंने एक फिल्म बनाई है 11 जो भी रिलीज है, एंड ऑफ द ईयर रिलीज होगी, तो 4 दोस्तों की कहानी है, उसमें से केनी जो है ये एक 4 दोस्त है, तो फिल्म हो गई भी एकदम। लोग सुभाष चंद्र बोस किसको बनाए, ऑलरेडी श्याम बेनेगल साहब ने बना चुके थे सुभाष चंद्र बोस, तो और सडनली मुझे लगा कि घर में बैठा है तो इसको मैंने बोला, इसने हाँ के बेचारे ने सारे बाल वाल भी कटवाए, ये तो कह नहीं बता पाएगा आपको ज्यादा। एक्चुअली मैं घर पे बैठा था, एंड देन वीर जो असिस्टेंट है सर के, वीर ने कॉल किया, कहा कि सर मिलना चाहते हैं। ओके ठीक है, क्यों कुछ बताया नहीं, अच्छा चलो मिल लेता हूँ। तो मैं आ गया सर से मिलने, एंड देन सर ने पूछा शेव करके क्यों नहीं आया, किसने कुछ बताया नहीं शेव करके आ जा, तो मैं फुटपाथ पे गया शेव करवा के आ गया, एंड देन सर ने बोला हाँ चश्मा लिया, तो मैंने चश्मा पहना, फिर सर ने पूछा लग रहा है, पता है कौन सा रोल कर रहा है,
बाबूजी तो नहीं होंगे नेताजी मतलब मैं आई थिंक मेरे पैर जमीन से 2 फुट ऊपर आ गया एंड देन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ खास याद नहीं है इट्स अ बिट ऑफ अ ब्लर लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो गया एंड वेरी प्रिविलेज्ड एंड हम्बल्ड के सर ने मुझे इस लायक समझा कि आई कुड पोर्ट्रे सच एन इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस स्टोरी मैं एक चीज आपको इंट्रोडक्शन दूं केरी जो है ये असम से है और असम ये डायरेक्टर है इन्होंने 2 असमीज फिल्म बनाई है अभी इन्होंने एक फिल्म बनाई तो इनके अंदर एक डायरेक्टर ऑलरेडी है तो इनको मुझको ज्यादा डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी तो आपका कितना इनपुट था वाले बाकी कैरेक्टर बिकॉज़ आप डायरेक्शन भी करते हैं इनपुट तो बहुत सारे थे सर के बिकॉज मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ आपके सवाल का जवाब काफ़ी रिसर्च की मैंने इन द सेंस 3 किताबें मेरे लिए सबसे बड़े सोर्सेज थे हिज मैजेस्टीज ओपोनेंट ब्रदर्स अगेंस्ट द राज और द फॉरगॉटन आर्मी तो इन 3 किताबों से मुझे पता चला अबाउट नेताजी थॉट्स अबाउट हिज लाइफ हिज बायोग्राफी एंड स्पेशली द INA इंडियन नेशनल आर्मी ने क्या क्या कैसे फॉर्म हुई एंड उनका कितना बड़ा रोल था in India's independence. Apart from that, Netaji ke kafi speeches and videos maine dekhe and sune, tried to pick up his speech patterns on aur humne decide kiya ki ek acceptable level ke cinematic bhi ho and at the same time true to Netaji as possible ek humne ek balance sort of decide kar liya and Tishu sir khud ek masterful actor hain to ekdam chote chote inputs dete wo which would make the performance very real very natural ये तो डिटेल्स में मुझे काफी सारे इंसिडेंट्स याद हैं बट सम अदर टाइम आपके अंदर भी एक कलाकार है तो आपने क्या इसमें कोई रोल प्ले किया जब तक सिनेमा बनता रहेगा अच्छा मोहित जी क्योंकि आपसे जानना चाहूंगा आने वाले दिनों में लोग आपसे पूछेंगे कि सेम डेट पर 2 भाइयों की फिल्म आ रही है एक आपकी और अर्जुन की भी फिल्म आ रही है तो आप मानते हैं या हम ऐसा माने कि इस डेट 28 जुलाई को 2 भाइयों का टफ कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा सिनेमाघरों में बॉक्स ऑफिस पर मैं तो यही कहूँगा कि हम उस दिन बात कर रहे थे इसी बारे में और अर्जुन ने मुझे यही बोला कि ये इट्स लाइक अ फैमिली वीक कि आप अगर आप कॉमेडी देखना चाहते हैं वो भी मिलेगी अगर आप दूसरे जॉनर की पिक्चर देखना चाहती हैं तो वो भी मिलेगी देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवीज सो आई थिंक बोथ विल फाइंड द ऑडियंसेस एंड बोथ शुड फिल द थिएटर्स एंड डू रोरिंग बिजनेस अच्छा तिग्मांशु जी एक आखिरी सवाल मेरा ये कि हमने प्रिंट को इंटरव्यू दिया हम चाहेंगे वीडियो को भी आप कुछ बताएं कि जो आनंद एल राय जी की जो आप फिल्म कर रहे हैं उसमें आप शाहरुख खान के डैडी बने तो कुछ हमें बताना चाहेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस या कुछ आप इसको मैं बहुत ब्रीफली बताऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं थोड़ा सा अगर आप बता दें थोड़ा सा शाहरुख खान ले यार सर थोड़ा सा अगर आप हां बहुत बहुत अच्छा लगा मैं एक्टिंग बहुत कम करता हूं मैं तभी करता हूं जब कोई दोस्त यार कुछ बना रहा हो और उसको लगे कि मैं वो रोल कर सकता हूं और जब मुझे पैसों की जरूरत होती है तो ये मैंने किया एक तो मैं इसलिए भी किया क्योंकि ये बहुत टेक्निकल पिक्चर है जो आनंद बना रहा है ना शाहरुख साहब उसमें बने हैं तो मैं देखना भी चाहता था कि फर्स्ट हैंड कि ये करते कैसे हैं क्योंकि जब कमल हसन साहब ने किया था तो उन्होंने अपना पैर वैर फोल्ड करके किया था तब तो उस तरह के VFX की उतनी सुविधाएं नहीं थी तो मैं तो उसको जानने के लिए मैंने एक्चुअली ये पिक्चर की ये होता क्या बाकी में बहुत टीडियस बहुत ज़्यादा मेरा एक ही शॉट को 3-3, 4-4 तरीके से लिया जाता है एक दिन में एक सीन होता था तो बहुत मुश्किल से वो लोग फिल्म बना रहे थे नो एकदम मेरी तो स्लेट खाली थी मुझे कुछ पता नहीं मुझको ये पता था कि मैं बहुत ही A-lister एक्टर के साथ नहीं कर सकता और क्योंकि वो 3 लोगों को लाना उनको समझाना उनको करना इस तरह की जो कि बहुत ही रेगुलर कमर्शियल टाइप की जिस तरह की हमारा बॉलीवुड नाच गाना टाइप का सिनेमा होता है वैसी पिक्चर है नहीं तो उनको मैं कन्विंस करने का इतना मैं आज तक नहीं किया मैं अब करूँगा भी नहीं तो मैं चाहता था कि थोड़ा फ्रेशनेस रहे अमित के साथ मैं फिल्म कर चुका 11 में अमित है कुणाल को मैं जानता था काफ़ी टाइम से काम तो नहीं किया था इसको मैंने ऑडिशन किया था सिर्फ उन दोनों के लिए मैंने ऑडिशन नहीं किया था इसके रोल के लिए मैंने और भी 3-4 जो यंग एक्टर्स अभी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं इंडस्ट्री में उन 4-5 को मैंने किया तो मेन क्राइटेरिया तीनों को लेने का यह था देखिए 1940 अगर हम लोग आप अपने दादाजी की फोटोग्राफ अपने घर में पुराने एल्बम को खोजिए अपने दादा दादियों की फोटो देखें तो आपको उनके चेहरे में शराफत नजर आएगी मुझे शरीफ लड़के दिखते नहीं आजकल ये है कि
कमलजीत बोलते हैं कि ये केस आप कांग्रेस के लिए नहीं सुभाष बोस के लिए लड़िए। यकीन मैं वही कहना चाहता हूं, उन्होंने ये नहीं बोला कि कांग्रेस के खिलाफ लड़िए, नहीं, अगर जब आप उनके फेवर में लड़ रहे हैं तो आप उनके खिलाफ हो गए। क्योंकि देखिए हिस्ट्री में ऐसा था, भुलाभाई देसाई जिनके नाम पे एक सड़क है, हम सिर्फ उनको सड़क से जानते हैं, भुलाभाई देसाई कौन थे, तो भुलाभाई देसाई ने आईएनए के लिए कांग्रेस ने डिफेंस कमेटी बनाई थी आईएनए के सोल्जर्स के लिए लड़ने के लिए, तो भुलाभाई देसाई ने उस कमेटी को हेड किया था, उन्होंने ही 3 दिन तक वो बहस की थी, तो उनको गन में वो उनके और कांग्रेस में कोई डिफरेंसेस थे। तो कमलजीत इज प्लेइंग प्रेम सहगल्स फादर, जो कमलजीत भी अचुर राम सहगल वो भी जज थे लाहौर हाईकोर्ट के, तो जाते हैं भुलाभाई को कन्विंस करते हैं कि आप कांग्रेस से आपके डिफरेंसेस है, कांग्रेस के लिए मत लड़िए, फाइट इट फॉर सुभाष चंद्र बोस। तो क्या ये दिखाया जा रहा है उस समय कांग्रेस के प्रति फ्रस्ट्रेशन था लोगों के मन के बीच? कभी नहीं था ऐसा भाई। आप लोग अभी 3 साल की हिस्ट्री पढ़ के क्यों अपने आप जजमेंट कर रहे हो मेरे भाई, ऐसा नहीं था। पिक्चर देखना आप, ऐसा कभी नहीं था। क्या था कि 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा लिया यहाँ पे मुंबई में ही आजाद मैदान में, उस वक्त गांधी जी की फिलोसफी भी आप देखिए, उन्होंने बोला था करो या मरो, यानी कि गांधी जी के अंदर भी उन्होंने लग गया था कि थोड़ा तो वायलेंट होना पड़ेगा। और फिर जो राइट्स हुए, जो तोड़ फोड़ बसे जलाई गई पूरे, इसीलिए तो सारे नेताओं को अंदर कर दिया, उस वक्त उनको लग गया था। और नेताजी और गांधी जी के डिफरेंस तब पहले से इसीलिए आ गए थे कि नेताजी ने कहा ओनली थ्रू वायलेंट आर्म्ड स्ट्रगल हम देश को आजाद करा सकते हैं, और गांधी जी ने कहा नहीं हमको नॉन वायलेंट करना पड़ेगा। लेकिन 42 वर्ल्ड वॉर चल रही थी उस वक्त, दुनिया में क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर चल रही थी। नेताजी कहते थे वर्ल्ड वॉर चल रही, अंग्रेज वर्ल्ड वॉर में जुटे हुए, इसी यही टाइम है, लात मारो निकालो इनको। और पर गांधी जी को भी उस वक्त लग गया था कि शायद आए वायलेंट वे इज राइट, तो नहीं तो करो या मरो जैसा नारा गांधी जी ने लगाया। तो शायद उस वक्त वो नेताजी एक पेज में थे, हालांकि नेताजी हिंदुस्तान में थे नहीं उस वक्त। There are a lot of books. In fact, when I signed the film, the first thing was that there were 2-3 books which were handed over to me. If you go online and if you look, there are a lot of documentaries also which have been made on this subject. And I think with the power of the internet, there's a lot of information which has been coming out now in the last couple of years. Before that, there was nothing. But now I think there is access to a lot of information. So, हमने वो सारी information पढ़ी और you know, sir से याद है ना, sir से पहले दिन जाके पूछा था कि सर क्या क्या रिसर्च करूं मैं इसके लिए क्या करूं, तो ही टोल्ड मी वेरी नाइस थिंग, ही सेड के तुम अपने ग्रैंडफादर अपने नाना और दादा की पुरानी फोटोज निकालो और उस टाइम को ऑब्जर्व करो आप, उस क्योंकि उस जमाने के कह रहे हैं वो जो लोग होते थे जो 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 शराफत जैसे निखार जो नजर आती थी शक्ल पे, तो कह रहे वो नजर आना चाहिए जब स्क्रीन पे आपको लोग देखें तो बोलें कि हाय उस जमाने के क्या लोग थे। सो दैट इज व्हाट वी ट्राई टू अचीव। कर नहीं पाऊंगा उतना टाइम नहीं मेरे पास। नहीं मैंने सिर्फ एक बड़े स्टार के साथ जो सैफ के साथ बनी कोई तकलीफ, कोई ऐसी थोड़ी है यार, गलत है, बहुत गलत है जो लोगों ने किया, गलत है, बिल्कुल गलत है, गन्नी सेना ने जो किया वो गलत किया। यही लास्ट क्वेश्चन, मुझे तो नहीं पता कि कर रहे कि नहीं, मैंने तो स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं, शायद गन्नी सेना वालों ने भी नहीं पढ़ी होगी, वो तो मॉब मेंटालिटी में सब लोग चले जा रहे हैं, उसको मार दिया इसको मार दिया, सब मॉब चल रहा है ना, तो मॉब से क्या बहस कर सकते हैं, मॉब के साथ बहस कर सकते हैं, नहीं की जा सकती। I mean, it's documented, but not really read as such. Not really, I mean, I did not know about this part of history till I got to know about the film. And why do you think such part of history actually, why don't we know about this thing? I mean, where did these pages disappear? Where did the pages disappear in between? I mean, where did it lost in transition? जब मैं student था, तो मैंने नेताजी के बारे में तो अपने हिस्ट्री किताबों में पढ़ा था, लेकिन ये थोड़ा जो है ये जो हिस्ट्री है ये रिसर्च वाली हिस्ट्री है, जेएनयू के हिस्ट्री स्टूडेंट्स ने जरूर पढ़ा होगा, समझ रहे आप, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है, ये 10th क्लास 11th क्लास हिस्ट्री में पढ़ा हो तो बच्चों को जितना पढ़ते वो भी नहीं पढ़ेगा, इसलिए ओमिटेड है। ये मोहित नीचे बैठ, मोहित नीचे बैठ,
बैठो नीचे बैठो बैठो यार। अरे खलवा बैठना। अरे बस अरे तुम्हें खाली ये कौन बैठा है? अरे बैठो नीचे। मैं भी बैठूं। खड़े हो गए यार सूट अजीत भाई। फोटो हो गए भाई। तेल हमें इंटरव्यू करना है किसी।